सो इसके डिस्पैर बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे थे, तो हमने यहाँ के शोकर के पास के दो नट खोल के इसे अच्छे से साफ़ कर लें ताकि ये जाम ना हो और पहिया टाइट ना चले। तो अभी डिस्पैर खोलते हैं और नए डालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये इतने ज़्यादा घिस चुके हैं कि ये प्लेट भी ख़राब करने लग गए थे, तो आवाज़ आ रही थी बहुत गंदी, तो प्लेट भी कट गई है इसकी। तो ये वैसे हम चला देंगे, तो ये डिस्पैर देखो क्या हालत हो रखी है। तो नए डालने से पहले हमें पिस्टन को अंदर करना है ताकि जब नए आए तो आराम से फिट हो जाए। तो ठीक है, लेके आपने इसको आराम से अंदर कर रखा। सो ये है इसके पुराने डिस्पैर और ये है इसके नए डिस्पैर, देखो कितना फ़र्क है। ये ऐसा और ये ऐसा होता है। तो अब देरी ना करते हुए जल्दी से हम डिस्पैर डाल लेते हैं इसमें। लॉक लगा देते हैं जिससे कि ये रुकेगा। गैप बना ले ताकि ये डिस्क के अंदर चला जाए आराम से, दिक्कत ना करे। सो डिस्क के अंदर जा चुका है, इसके नट लगा देते हैं हम। तो ये है, अभी हमने इसका पिस्टन पीछे करा था, तो ये थोड़ी चार पाँच छः बार इसे दबा ले ताकि पिस्टन जो हमने अंदर करा था वो बाहर आ जाए। तो ये ब्रेक हमारी लगनी चालू हो चुकी है, डिस्क हमारी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है।